स्टूडेंट्स क्लास 12th, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो। एट फर्स्ट वी विल फोकस इन द लास्ट लाइन ऑफ द वीडियो फर्स्ट। वीडियो फर्स्ट की लास्ट लाइन में मिस्टर एम हैमल टीचर क्या बोलते हैं कि हम आज तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसके बिना? स्टूडेंट राइटर्स जो स्वयं एक स्टूडेंट हैं। तो नेक्स्ट उसके आगे फिर राइटर अपनी राय क्या व्यक्त कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। बेंच के ऊपर से कूद कर मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered that he never or except on inspection and price days। जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू ना कर पाया। क्या लिख रहे हैं राइटर? जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू ना कर पाया, मैंने यह देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और कढ़ाई की हुई छोटी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिसे वह केवल निरीक्षण और पुरस्कार के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोमन। और क्या कर रहे हैं ये कि इसके अलावा पहन रखी थी तक आप लोग पढ़े, इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज इम्पटी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। परंतु जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान किया वह यह कि सदा खाली पड़ी रहने वाली पिछली बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह शांत बैठे थे। ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। अपना तिकोना टॉप पहने बूढ़ा हासर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अतिरिक्त कई अन्य लोग वहाँ पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेटर्स लॉइंग अक्रॉस द पेजेस। हर व्यक्ति उदास लग रहा था और बूढ़ा हासर एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था, उसके किनारे मुड़े हुए थे, जिसे उसने अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों के बीच में रखा था।
नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखें। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं, व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेट, जब मैं इसके बारे में, इस सब के बारे में सोचकर हैरान हो रहा था, तो एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और शांत स्वर में जो उसने मुझसे बात करते हुए अपनाया था, बोला, क्या बोले, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लॉस्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों, या मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, क्या बोले कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए शिक्षक कल आ रहे हैं। दिस इज योर लॉस्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुने। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कैसे चौंकाने वाले शब्द थे मेरे लिए। द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओ बुरे लोग, तो यही था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया था, क्या बोले कि ओ अरे यही बुरे लोग, हाँ तो यही, अर्थात यही आदेश तो नोटिस बोर्ड पर टाउन हॉल में लगाया था जिसे कि मैंने पढ़ा था। अब लेखक के समझ में बात आ गई, एक स्टूडेंट के रूप में। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ, क्यों अभी तो मुझे पूरी तरह से लिखना भी नहीं आया था, अभी तो मुश्किल से लिखना भी मुझे नहीं आया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे अब वहीं रुक जाना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ओ मुझे मेरे पाठ न सीखने का कितना अफसोस था, पक्षियों के अंडे ढूंढने का या सार नदी पर फिसलने के लिए। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मेरी, क्या बोले, मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझे एक समस्या लगती थी, जो ले जाने में इतनी भारी थी, मेरी व्याकरण और मेरा संतों का इतिहास,
अब मेरे पुराने दोस्त बन चुके थे जिनको मैं त्याग नहीं सकता था, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था। एंड यम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यम हैमल भी इस विचार ने कि वह दूर जा रहे थे, हाँ वह दूर जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मैं उनके डंडे के बारे में भूल गया था, जो स्टिक लिए रहते थे उस डंडे के बारे में भूल गया था, और यह भूल गया था कि वह कितने सनकी थे, क्रैंकी। पुअर मैन, पुअर पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। बेचारा, हाँ वह बेचारे व्यक्ति, उसने इस अंतिम पाठ के सम्मान में रविवार को पहनने वाले Mm-hmm.